वेल, आज हम इस गाड़ी की बात करने वाले हैं। इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से इस गाड़ी के, ना तो फीचर्स की ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि फीचर्स इसमें हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसके लुक्स की बात करेंगे, लुक्स आप इसके पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसकी पर्सनैलिटी की, इस गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक की, और इस गाड़ी की डायनामिक एबिलिटी की, और इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी की। जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी की जिफ्टी। और जो गाड़ी है ये पिछले 2-3 साल से पिछले ऑटो एक्सपो से लोग कह रहे हैं कि आने वाली है और फाइनली भारतीय बाजार में आ गई है। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है मारुति सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम। ऑल ग्रिप प्रो क्या है? वेल, इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको मिलते हैं रिजिड एक्सल्स ऑन फीलिंग सस्पेंशन सेटअप, और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी मिलती है बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस। आपको मिलती है 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस। लो रेंज कैब बॉक्स मिलता है आपको फोर व्हील ड्राइव का, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसके बारे में आपको आगे पीछे बताएंगे। डिपार्चर एंगल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसका, तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे गाड़ी चलाकर। जैसा मैंने पहले कहा, दिस कार इज़ रियली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि आजकल जहाँ पे हर गाड़ी अपने आप को एक SUV कहती है, वहाँ पर ये एक्चुअली रियल ओल्ड स्कूल SUV है, क्योंकि ये बनी है लैंड रोवर फ्रेम चेसिस के ऊपर, नॉट ऑन अ मोनोकॉक, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी गुड जेन्युइन ऑफ-रोडर। तो ऑफ-रोडिंग के साथ साथ इस गाड़ी को चला के आपको बताते हैं कि क्या ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी में भी अच्छी है। सही है ना? आशीष मसीह, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ा यूनिक सा एक वीडियो रिव्यू लेके आए हैं। अगर आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हम लोग दिखेंगे, झटके वगैरह बहुत दिख रहे होंगे, तो ये मत सोचना कि मेरे कैमरामैन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम चला ही ऐसी जगह पर रहे, जैसे आप देख सकते हैं हम एक रिवर बेड के ऊपर चला रहे हैं अभी गाड़ी को। और जो गाड़ी हम चला रहे हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल कार। इस गाड़ी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, यू बीन वेटिंग फॉर दिस कार फॉर एटलीस्ट 3 or 4 years नाउ, एंड दिस कार इज़ दी मारुति सुजुकी जिम्नी। और बहुत सारे थंबनेल्स में आपको पहले बताया था, टाइटल्स बताया था लोग क्या लिखेंगे। पहला थंबनेल आएगा थार तेरा क्या होगा, दूसरा आएगा थार तू तो गई, तीसरा आएगा सस्ती मर्सिडीज जी वैगन, और चौथा आएगा जिप्सी के दिन वापस आ जाएंगे, जिप्सी याद आ जाएगी। इस टाइप के आपको टाइटल देखेंगे। ये टाइटल किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये अपने आप में ही एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। इस गाड़ी में पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा है। आजकल जब आप गाड़ी लेते हैं तो आप डिसाइड करते हैं गाड़ी को फीचर्स देख के, अंदर स्पेस देख के, कम्फर्ट देख के, और मेरे ख्याल से आजकल की डेट में पर्सनैलिटी और ओवरऑल यू नो एक कैरेक्टर जो होता है गाड़ी का वो देख के कोई खरीदता नहीं है। लेकिन जिम्नी इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी, एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग समथिंग डिफरेंट। ये जो गाड़ी है इसमें आपको मिलता है सुजुकी का फेमस ऑल ग्रिप सिस्टम, ऑल ग्रिप प्रो। और ये क्या चीज़ है? वेल, इट्स एन ऑफ रोडिंग सिस्टम विच इज़ रियली जेन्युइनली वेरी गुड, इट्स अ फैंटास्टिक सिस्टम। अभी हम चला रहे हैं, हमने ज़्यादा तो इसको ऑफ रोडिंग पर ट्राई नहीं किया, करेंगे हम, बट इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन दैट सेंस। और एक चीज़ इसकी अच्छी है कि ये गाड़ी जो है ये विथ में बड़ी छोटी 1.6 मीटर्स ही है, तो उसका फ़ायदा या उसका बेनिफिट ये है कि इस गाड़ी में आपको कभी भी आप शहर में अगर चलाएंगे या टाइट पहाड़ी रास्ते चला गए, हम चला गए थे देहरादून के बाहर, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है कि आप आराम से मनूवर वगैरह कर सकते हैं। स्टेयरिंग भी काफ़ी हल्का है, और इंजन तो 1.5 पेट्रोल है जो कि शोर शराबा बिल्कुल नहीं करता, बहुत स्मूथ इंजन है। अब बाकी बातें हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम फर्स्ट अपने स्टॉप पे आए हैं, देखते हैं कि ये लोग हमें क्या बताते हैं, क्या ब्रीफिंग होती है, उसके बाद गाड़ी लेके आगे चलेंगे और आपको और बातें बताएंगे इस मारुति सुजुकी जिम्नी की। वेल, तो ये गाड़ी आप पहले ही बहुत बार देख चुके हैं ऑटो एक्सपो पे, आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी एक्सटेंसिवली, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूँ इसके लुक्स की जो आप सोच रहे होंगे कहाँ से डिज़ाइन के दिमाग में आया, कैसे उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने किसी गाड़ी को कॉपी किया? नहीं, सुजुकी ने किसी गाड़ी को कॉपी नहीं किया है, ये जो पूरा डिज़ाइन ओरिजिनल है। और ये जो लैम्प्स हैं, फॉर इंस्टेंस जो गोल इसके हेड लैम्प्स हैं, ये इनको जो ओरिजिनल गाड़ी थी जो 1970s में लॉन्च हुई थी, वहाँ से इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट को, उसको ट्रेडिशन को, इसके अंदर लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। जो ये क्लिल कट डिज़ाइन है, ये जो सेकंड जेन या जो थर्ड जेन जिम्नी थी रादर, उससे लिया है। और जो सेकंड जेन जिम्नी थी जो भारतीय बाज़ार में जिप्सी की तरफ भी की है, वो डिज़ाइन आपको यहाँ मिलता है, जो स्लैट्स है ये इन्होंने वहाँ से लिया है, जो जिप्सी बिकती थी यहाँ पे आपको याद होगा उसमें भी ऐसा डिज़ाइन आता था। तो ये सारे यूनिक डिज़ाइन उन्होंने लिए वहाँ से। और स्क्वायर और बॉक्स का डिज़ाइन है वो इसलिए कर रखा है ताकि अंदर स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके, क्योंकि मारुति सुजुकी कह रहे हैं दैट दिस कार इज़ मेड फॉर फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि
इसका जो फॉर्म है, जो शेप है, वो फंक्शन को फॉलो करता है। तो इसीलिए उन्होंने डिज़ाइन इसका ऐसा बना के दिया है। और पीछे की तरफ जो आप देखेंगे, यू विल सी द बम्पर हैज़ द लैम्प्स इन इट। ऊपर नहीं लगा रखे हैं ताकि स्पेस वगैरह यूटिलाइज अच्छे से हो सके। सो वेरी यूनिक डिज़ाइन, वेरी डिफरेंट डिज़ाइन। और लोग कहेंगे आपको देख के इस गाड़ी को कि ऐसा लगता है कि एक थार और एक जी वैगन घूमने फिरने के छुट्टियों में, और उन्होंने वहाँ पे यू नो शादी करी और 9 महीने बाद जब वापस आए तो जिमनी पैदा होगी। लोग ऐसा कहेंगे आपको देख के। और वाकई थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है ये सब SUVs का, एंड आई थिंक इट्स गॉट अ वेरी यूनिक एंड वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑफ इट्स होन। एनीवेज गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि असली मतलब इस गाड़ी को चलाने का, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहाँ आए आप देख सकते हैं ऑफ रोडिंग ट्रैक है, एक यहाँ पे नदी है जो सूखा हुआ एरिया है नदी का, उस एरिया में हम आए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं और दिखाते हैं आपको व्हाट मेक्स जिमनी सो स्पेशल एंड व्हाई दिस कार इज़ ऑन एवरीबडीज माइंड, और क्यों लोग इस गाड़ी के लिए दीवाने हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट राइट अक्रॉस द ग्लोब। वेल दोस्तों, ये गाड़ी बाहर से देखने में बहुत ही स्टाइलिश होगी और बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी भरी होगी, लेकिन जब आप अंदर आएंगे, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है और थोड़ी सी अच्छी खबर जो है नहीं है। अब पहले गंदी बात कर लेते हैं, और गंदी बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है वो थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी सी कम है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी आप बीच पे देखेंगे तो सेंटर कंसोल में कप होल्डर वगैरह नहीं दे रखे हैं, वो यहाँ पीछे हैं, पावर विंडो जो पीछे वाले बटन हैं उनके पीछे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे पोर्टल, और दरवाजों की अगर बात करें तो इतने पतले डोर है इसके अंदर कि आप उनके अंदर जूस के पैकेट रख सकते हैं, वो भी जूस पीने के बाद, जूस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही रख पाएंगे आप। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो मेरे को नेगेटिव लगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास सेलफोन वगैरह है तो यहाँ पे आप ट्रे में उसे रख तो देंगे, गाड़ी की चाबी भी रख देंगे, लेकिन फिर अपना वॉलेट ना रखेंगे, तो वॉलेट के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको लगेगा नहीं मुझे छुपाना है, तो ऐसे अगर आप ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो ग्लव बॉक्स खोल के आप देखेंगे स्पेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको अपने बच्चों से कोई चीज़ें छुपानी होंगी, कोक वगैरह रखनी होगी यहाँ छुपा के, तो वो आप इस गाड़ी में नहीं कर सकते हैं, वो आपको बच्चों को देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि तुम्हें पीलो। तो प्रैक्टिकलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी पीछे है इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में अपने राइवल से, क्योंकि उसी सेगमेंट में गाड़ी है तो उसी की बात करेंगे। अब गाड़ी की थोड़ी अच्छाई है कि फीचर्स में काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, आपको 4x4 सिस्टम तो मिलता ही है, उसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये बड़ा आईनेज करता है, स्क्रीन एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वगैरह मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलते हैं, और क्रूज कंट्रोल का फंक्शन भी आपको मिल जाता है। जो इसके गेजेस हैं ये आपको याद दिलाएंगे पुरानी वाली जिप्सी की, जो जिप्सी आती थी बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बीच में डिजिटल है यहाँ पे सब कुछ, इसके अंदर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दिखती है, और ये जो बीच का पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा चलाने के हिसाब से, एसी कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और उसके नीचे पावर वगैरह के बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के ये भी टॉगल टाइप के, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में। प्लास्टिक क्वालिटी इज क्वाइट गुड, इट्स बेटर दैन मोस्ट कार्स एट दिस प्राइस पॉइंट, एंड सीट कम्फर्ट ऑल्सो इज समथिंग विच इज़ रियली गुड। मारुति सुजुकी मेक्स द बेस्ट सीट्स बिजनेस, एंड द सीट्स ऑन द जिमनी ऑल्सो आर वेरी गुड कुशनिंग, वेरी गुड सपोर्ट, एंड ऑल्सो गुड सपोर्ट फॉर योर लोअर बैक। काफ़ी गाड़ियों में लोअर बैक अगर आप गाड़ी चलाते हैं बहुत देर दर्द हो जाती है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगेगी। तो हमने देख लिया गाड़ी आगे से कैसी है स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में, अब चलते हैं पीछे और देखते हैं गाड़ी पीछे से कैसी है स्पेस एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी के मामले में। वेल तो मैं बात चुका बैक सीट में, और फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरी हाइट है 5'10", और अगर मैं बिल्कुल सीधा होकर बैठता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नी रूम डिसेंट है, हेडरूम भी ठीक ठाक है। अगर मेरी हाइट होती 5'11" या फिर मेरी हाइट होती 6 फुट तो शायद मेरे बाल यहाँ पे ब्रश हल्के से कर जाते, बट इट्स नॉट रियली बिग डील फॉर द शेप एंड साइज ऑफ दिस कार। यहाँ पे स्पेस ठीक ठाक है, और यहाँ पे तो लोग बैठ सकते, बहुत चौड़ी नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी वाइड कार, तो दो ही लोग बैठेंगे, छोटा बच्चा बैठेगा तो ठीक है, बट हाँ बीच में आइडियली जो तीसरा बंदा बैठेगा बहुत टाइट हो जाएगी गाड़ी, तो दो लोगों के हिसाब से गाड़ी ठीक है। तीसरा बंदा बैठेगा तो इट विल बी अ बिट टाइट। यहाँ पे डोर पॉकेट्स हैं, सॉरी बैक पॉकेट्स हैं, डोर पॉकेट्स तो नहीं, और डोर में जैसे मैंने पहले बताया आपको पॉकेट्स नहीं है, तो पीछे ही प्रैक्टिकलिटी इतनी कोई खास नहीं है। बड़ा यहाँ पे टनल है क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है, इसका ऑफ रोडिंग सिस्टम है, तो ये गाड़ी जो है, और बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा एक हम्प है क्योंकि इसके अंदर आपको 4x4 सिस्टम मिलता है, तो एक्सल जो है आगे पीछे दोनों एक्टिव लाइव एक्सल हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम्प है, तो बीच में जो बैठेगा उसके लिए स्पेस में दिक्कत हो जाएगी, जो बेस्ट एज 4-सीटर। अब इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या करी जा सकती है, मेरे हिसाब से मारुति को इसके अंदर थोड़ा स्लाइडिंग सीट देनी चाहिए थी, जो बेस है अगर आगे पीछे स्लाइड हो जाता तो स्पेस थोड़ा निकल सकता था, तो ये जो फिक्स किया है ये आई थिंक ये चेंज करके से स्लाइडिंग सीट दे देते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मारुति 900 करोड़ रुपये खर्च किए, आपको क्या पता, आप तो एक छोटे से
यूट्यूबर हैं आप, क्या मारुति के बड़े इंजीनियर्स को बता रहे हैं जो पैसा खर्च कर चुके हैं। और आपकी बात भी सही है, लेकिन देखिए अगर मैं नेट पर नहीं करूँगा, कुछ कमी नहीं निकालूंगा, तो आप कहेंगे कि मैं मारुति की बायस होकर बात कर रहा हूँ, मारुति की तरफ से बात कर रहा हूँ और मैंने मारुति से पैसे खाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुझे खाने का शौक है तो पैसे नहीं, आलू के पराठे, ऐसा मैंने पेट देख के समझ गए होंगे। एनीवेज बैक्सी को देंगे हम 7 का स्कोर 10 में से। अब डिक्की देखते हैं, उसके बाद गाड़ी को चलाते हुए बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। वही जैसे आपको इस गाड़ी की डिक्की दिखाते हैं, बूट दिखाते हैं, खोलने का तरीका इसको याद दिलाएगा आपको फोर्ड एक्को स्पोर्ट की। साइडवेज खुलता है इसका बूट और पूरी तरह से नहीं खुल रहा है, लेकिन हाँ इतना खुल जाएगा ये। अब जब इस बूट का खुलेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पेस है बहुत ज़्यादा आलीशान नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी मैसिव बूट। ये खुल जाता है लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप खुलेगा, ज़्यादा इससे फोर्स नहीं करना आपको। 219 लीटर का बूट है ये, अगर हम बात करते हैं रोज़ अप की, दो पीछे की रोज़ अप, और अगर हम इसको गिराए थे बैक सीट के बैकरेस्ट को तो करीब करीब 100 लीटर बढ़ जाता है। तो आपके लिए बूट ज़्यादा यूजेबल ठीक ठाक होगा, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपकी सासू अगर आ रही है तो आपके लिए अच्छी बात है, छोटा बूट है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक हफ्ते का सामान लेके आना, दो हफ्ते या तीन हफ्ते का बतला रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी की डिक्की में इतना जगह नहीं है। और उनको मत बताना कि आप बैक सीट गाड़ी की गिरा सकते हैं और बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। डिसेंट कंसिडरिंग इट्स शेप एंड साइज, नॉट द बिगेस्ट बट क्वाइट रिस्पेक्टेबल फॉर द शेप एंड साइज ऑफ दिस रिलेटिवली कॉम्पैक्ट SUV। वेल तो हमने देख लिया कि जो मारुति सुजुकी जिम्नी है ये केपेबल बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड, क्योंकि हल्की है और इसके अंदर बेहतरीन ऑफ रोडिंग सिस्टम आता है, तो ये गाड़ी किसी भी तरीके के रोड सर्विस पर जा सकती है, ऑफ रोड सर्विस पर जा सकती है, जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ जा सकती है विदाउट एनी हैसल्स व्हाटसोएवर। लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है रोड पर, ये बड़ा सवाल है। इज़ इट प्रैक्टिकल, इज़ इट कम्फर्टेबल, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि दिस इज़ अ वेरी गुड कार टू ड्राइव इवन एज अ डेली ड्राइवर ऑन द रोड्स। जो इसके अंदर सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, और जो सस्पेंशन है इसकी कम्फर्टेबल है, डेफिनेटली डज रिमूव ऑल दोज बैडली पैस्टर रोड। तो एक दो झटके तो अंदर आएंगे ही, ऐसी बात नहीं है कि झटके बिल्कुल नहीं आएंगे अंदर। But that said, it's more or less a comfortable car. Suspension के साथ साथ इस गाड़ी की जो अच्छी बात है वो ये कि controls सारे के सारे बहुत light हैं। Well, तो मैं अब चला रहा हूँ मारुति सुजुकी जिम्नी, और इसमें आता है 1.5 का केस इस पेट्रोल। हमने ऑफ रोडिंग करके तो आपको दिखा दी कि गाड़ी चलाने में कितनी बेहतरीन है, कितनी अच्छी है। अब आपको बताते हैं कि ऑन रोड एक्सपीरियंस हमारा कैसा है इस गाड़ी के साथ। देखिए ये जो गाड़ी है कंफर्टेबल है, ये एक सबसे अच्छा वर्ड है इस गाड़ी को डिस्क्राइब करने का। ऐसा नहीं है कि दूसरी SUV की तरह रोड पे चलते वक्त ये अनकंफर्टेबल हो जाती है या आपको झटके अगर महसूस होते हैं, हाँ एक आधा झटका हो सकता है अंदर आ जाए, पर इन जनरल ऑन दी होल इज कंफर्टेबल। हार स्टेयरिंग व्हील हल्का है, एक्यूरेट है, और एक SUV के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। क्लच एक्शन जो मैनुअल का था उसमें अच्छा है, गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। हाँ मैं जरूर कहूँगा कि गियर बॉक्स अगर मैनुअल में यूज़ करेंगे, 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि छटा गया होता, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है जितनी बढ़ जाती, तो वो एक चीज़ है। और ये टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स है और बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ यूजेज। ऑटोमेटिक अपशिफ्ट्स एंड डाउनशिफ्ट्स बोथ आर क्वाइट गुड, राइड कंफर्ट इज गुड, एंड विजिबिलिटी ऑल्सो इज समथिंग विच वेरी पॉजिटिव। बड़े बड़े साइड व्यू मिरर्स मिलते हैं, बीच का शीशा बड़ा है, और पीछे जो स्क्रीन है वो जो कांच है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो पीछे तक दिखता है आपको, और बॉनेट लाइन पूरी दिखती है। और एक और चीज़ अच्छी ये है कि गाड़ी बहुत चौड़ी नहीं है, तो शहर में जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे तो आराम से आप इसको टाइट रास्ते से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात इस गाड़ी में नहीं महसूस होगी। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से इट्स डेफिनेटली अ वेरी प्रॉमिसिंग कार। एंड इफ़ यू प्लानिंग टू बाय योर फर्स्ट कॉम्पैक्ट SUV, आप चाह रहे हैं लेना कोई गाड़ी और आप सोच रहे हैं कि शहर में क्या चला पाऊंगा, तो डेफिनेटली इस गाड़ी को लीजिए। डायमेंशन छोटी हैं, कंट्रोल्स हल्के हैं, रिस्पॉन्सिव इंजन है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है। मारुति सुजुकी इंजीनियर्स क्लेम करते हैं 16.3 फॉर द ऑटोमेटिक, 16.9 फॉर द मैनुअल। एंड नोइंग मारुति सुजुकी ये सब फिगर्स काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, काफ़ी पास होती हैं क्लेम फिगर्स इनकी लाइफ कंडीशन में फिगर्स, तो ये सब भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप 1000 में कॉम्पैक्ट SUV के लिए, तो ज़रूर इस गाड़ी की तरफ आइए। यू रियली एंजॉय बोथ द ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज द डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार। हम गाड़ी को रोकते हैं और जल्दी से आपको एक समरी रिपोर्ट बना के हम देते हैं। वेल तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस गाड़ी के बारे में, व्हाट इज माय फाइनल वर्डिक्ट? वेल द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट दिस इज वेरी केपेबल, वेरी फेमिनल ऑफ रोडिंग का। अगर आप एक ऑफ रोडिंग गाड़ी देख रहे हैं, 4x4 देख रहे हैं, सुजुकी ऑल ग्रिप सिस्टम रियली इज वेरी गुड, और ये जो गाड़ी है ये आपको बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी देती है। अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी को ले लद्दाख ले आना, किसी भी ऑफ रोडिंग जगह पर ले आना, तो अगर आप ऑफ रोडर हैं और आप पसंद करते हैं गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करना, तो इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। बट इज़ इट अ प्रैक्टिकल कार, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, जी हाँ, प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है, कंट्रोल्स काफ़ी हल्के हैं,
राइड कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन है, स्पेस के बारे में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो स्पेशस नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और डिक्की भी इसकी ठीक ठाक ही है। बट ओवरऑल आई वुड सजेस्ट दैट इफ इन द मार्केट फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, अगर आप चाह रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना या फिर एक सूडो एसयूवी लेना, कोई जो सिर्फ एसयूवी बनती है या बोलती है अपने आप को यार है नहीं, तो उन गाड़ियों को भूल जाइए, और जब इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो इसी की तरफ आइए, इस पर पैसे लगाइए। इट्स रियली इज़ अ फिनोमिनल पैकेज एंड जस्ट एज ओवरऑल कार आई थिंक दैट एज अ एवरीडे कार यू कैन ईजिली यूज़ दी मारुति सुजुकी जिम्नी ऑन अ डेली बेसिस। इस गाड़ी को चेकआउट करिए नेक्सा के डीलरशिप पे, और आप इससे इतना ही इंप्रेस रहेंगे जितना आज की इस वीडियो में मैं हुआ हूँ। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।